डॉटनेट इंटरव्यू क्वेश्चंस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्शलिंग डॉटनेट में क्या होती है। जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के टर्म्स में इंटरव्यूअर पूछता है, और अगर आप स्पेसिफिकली सी शार्प या डॉटनेट के टर्म्स में इसको रिप्लाई करोगे, इसको आंसर दोगे, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एज यू कैन सी हेयर, हमने पर्टिकुलर फंक्शन यूज किया है सेट विंडो टेक्स्ट। ये सेट विंडो टेक्स्ट C++ में यूज होने वाला एक फंक्शन है जिसमें पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं किसी भी विंडो के टाइटल बार में टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए। तो जो टेक्स्ट भेज रहे हैं वो LPCTR फॉर्मेशंस में भेज रहे हैं और ये रिटर्न कर रहा है बुलियन फॉर्मेट्स में। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को सी शार्प में यूज करें, डॉटनेट एप्लीकेशन में यूज करें, तो वहां पर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि C++ का कोड अनमैनेज्ड एनवायरनमेंट में है और डॉटनेट यू ऑल नो कि मैनेज एनवायरनमेंट में काम करता है। तो जो अनमैनेज्ड और मैनेज्ड फॉर्मेशंस में डिफरेंसेस हैं, दैट वी हैव टू टेक केयर। दूसरा, ये पर्टिकुलर केस में यू कैन सी कि जो स्ट्रिंग फंक्शन हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं वो LPCTSTR के फॉर्म्स में है, जबकि हम .NET में या C# में System.String यूज करते हैं। साथ ही यू कैन सी द रिटर्न टाइप इज बूल, व्हाइल व्हाट वी यूज इन C# इज बूलियन, System.Bool itself। तो ये टाइप डिसकॉम्पेटिबिलिटी है। तो इस पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व करने के लिए जब हमको इंटरेक्शन करना होता है डिफरेंट एनवायरमेंट्स में, तो हमें मार्शलिंग करनी होती है। ओके, तो मार्शलिंग बेसिकली है क्या? मार्शलिंग एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन मैनेज्ड कोड एंड अनमैनेज्ड कोड। स्पेसिफिकली अगर हम C# की बात कर रहे हैं या .NET एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अनमैनेज्ड कोड के डेटा को मैनेज्ड एनवायरमेंट में यूज करने के लिए और उसको वैसे वर्षा के लिए हम जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज मार्शलिंग। इट इज सिमिलर टू सीरियलाइजेशन इन जावा। सीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करता है जिसमें कि हम बाइट स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आप कह लें कि मार्शलिंग थोड़ा जनरलाइज्ड टर्म है देन ऑफ सीरियलाइजेशन। ओके, तो अगर हम जनरल टर्म में देखें तो इट इज लाइक अ मैसेंजर पिजन जो मैसेजेस को कैरी कर रहा है फ्रॉम मैनेज टू अनमैनेज एनवायरमेंट एंड रिवर्स ऑफ दैट, फ्रॉम अनमैनेज टू मैनेज्ड एनवायरमेंट। मार्शलिंग की हमें जरूरत क्या है? जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है मैनेज्ड और अनमैनेज्ड एनवायरमेंट्स के बीच में। एज यू कैन सी कि हमारे पास DWD word और LPCTSTR इस तरीके की फंक्शंस को या इस तरीके की वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज करने के लिए .NET में कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। तो अगर हम किसी भी अनमैनेज्ड एनवायरमेंट के वेरिएबल्स को या टाइप्स को यूज करना चाहें, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू मार्शल इट। तो जब हम मार्शलिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, हम अनमैनेज्ड कोड को मैनेज्ड कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हमने टाइप को चेंज कर दिया। तो वट एवर द टाइप, लाइक LPCTSTR शुड बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, System.String। सेम जब हमको रिवर्स करना होगा तो System.String विल बी कन्वर्टेड टू LPCTSTR। उसी तरीके से जब बूल की बात करी, अगर हमको बूल यूज कर रहे हैं उसको हमको कन्वर्ट करना होगा System.Boolean और System.Boolean को रिवर्स कन्वर्ट करना होगा टू बूल। तो ये स्पेसिफिक तरीका जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग एनवायरमेंट्स, दो अलग अलग एप्लीकेशंस, यू कैन से कि उन एप्लीकेशंस लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में, रिमोटिंग में, जब हमको अलग अलग एप्लीकेशंस पे काम करना होगा, तो उस केस में चूंकि हम .NET पे मैनेज एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं, दूसरे एप्लीकेशंस अगर अनमैनेज एनवायरमेंट्स के हैं, तो हमको थ्रू मार्शलिंग हम उस कॉम्पेटिबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट अबाउट मार्शलिंग। We will keep continuing with other interview questions of .NET. Till then, please like and subscribe for more videos. Thank you very much.